लेना, ये है मेरे पास इंस्टॉलेशन वाला, है ना, मैंने कॉपी हो रहा है मेरे में, पर थोड़ी देर बाद आके ले लेना, मैं देखती हूँ हो सकता है ये वाला चल जाए तुम्हारे लिए। ओके तो लास्ट टाइम मेरा ये खुला हुआ था, फंक्शन क्रिएट करना आया आप लोगों को? ठीक है, मैं रिपीट नहीं करूंगी यहाँ पे, अब ये सब तुम्हें क्लियर है, पहले बार जो बताया था बताओ भाई, कोई तो बोलो, तुम लोग बोलते नहीं हो, बस सुनते रहते हो। यस मैम। ऑपरेटर्स हमने लगाए, ये मैट्रिक्स क्रिएट करना आ गया था, वेक्टर पे हमने देखा था कि वेक्टर हमने क्रिएट किया। अच्छा, दूसरी तरीके से और वेक्टर हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, लीनियरली स्पेस्ड वेक्टर, जैसे एक्स है 1:10, ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, वो मेरा हैंग कर रहा है लग रहा है, बन गया। तो इसने क्या किया, जब हमने 1:10 किया तो 1 के स्पेस पे 10 वेरिएबल्स क्रिएट करके असाइन कर दिया। अगेन मैं इसी x को ओवरराइट करती हूँ, लेट्स से मुझे चाहिए 5280, तो अगेन दिख रहा है भाई, कितने लोगों को दिख रहा है? यस मैम। यस मैम। करके देख रहे हो पैरेलली? यस। ये हमारा वेक्टर ही बन रहा है ना। और क्या एक और तरीका होता है, क्या होता है वो भी मैं बता देती हूँ, एक होता है लिन स्पेस, ठीक है, लिन स्पेस हम कैसे यूज करते हैं, दैट आई विल टेल यू सून, दो मिनटों को। कहां से कहां तक और कितने पार्ट में बांटना है लिन स्पेस, लेट्स से एम हमने क्रिएट किया इज इक्वल्स टू लिन, टैब प्रेस किया, टैब प्रेस करने से क्या होता है, कुछ नहीं आया है ना, लिन स्पेस। अब हमें कितनी से कितनी रेंज चाहिए, लेट्स से 50 to 80 एट एन इंटरवल ऑफ 2, ठीक है, तो वो इंटरवल जो हमको देना है n हमारा बताता है कितने एलिमेंट्स हमको चाहिए इसके बीच में, तो लेट्स से 10 एलिमेंट्स हमें चाहिए। तो इसने क्या किया, लीनियरली स्पेस इस तरीके से डिवाइड किया कि 10 एलिमेंट्स ही बने, तो पहला 50 हुआ, फिर 53, फिर 56, फिर 60, 70, 80, तो ये क्या हो गया आपका, क्या हुआ भाई बताओ, दिखाई दे रहा है, तो लिन स्पेस से क्या है कि कितने एलिमेंट्स हमको जनरेट करने हैं वो हम डिसाइड कर सकते हैं। ओके यस मैम। करके देखो, अलग अलग साइज में बनाओ, ये तो हुआ कि हमने इक्वली डिवाइड की, लिन स्पेस से इक्वली डिवाइड हो जाते हैं। और हमने ये देखा कि हम ये चाहते हैं कि अब इसमें डिफरेंट डिस्टेंस क्या हुआ, इवनली डिस्ट्रीब्यूट हुआ, लेकिन हम चाहते हैं कि हम खुद से डिसाइड करें कि कितने के इंक्रीमेंट पे हमें चाहिए। तो लेट्स से कि हमें 1 चाहिए, 1 से स्टार्ट होना चाहिए एट एन इंक्रीमेंट ऑफ 3 एंड टिल 20, ठीक है, तो 3 के डिस्टेंस पर 20 तक जितने भी एलिमेंट्स हो सकते हैं वो आ गए। देखो करके, ये कोलन के थ्रू है, वो लिन स्पेस के थ्रू था, वो इक्वली डिवाइड करता है अपने से नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बेसिस पे, यहाँ पर अपने आप एलिमेंट सेट हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस जो आपने इंक्रीमेंट सेट किया है। आर यू ऑल एबल टू डू दिस, ये हमने वेक्टर्स बनाए हैं, ठीक है, अगेन साइज फाइंड आउट करना है, तो साइज ऑफ एम, ये कैसी मैट्रिक्स है, 1/10 की मैट्रिक्स है, 10 कॉलम्स है, एक ही रो है, इनका साइज क्या है 1/7। अब इनको कॉन्केटिनेट करना है, लेट्स से एल इज इक्वल टू, क्या करेंगे, एम और एन को कॉन्केटिनेट करना है तो क्या लिखना पड़ेगा हमें, टेल मी, एम कॉमा एन, एम कॉमा लिख सकते हैं, एन सेमी कॉलन नहीं आएगा, कितने लोग बोलते हैं
सेमी कोलन आएगा, बताओ भाई, नहीं बताएगा कोई, सेमी कोलन नहीं आएगा क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स कॉलम्स जो है वो अनइक्वल है, लेकिन नंबर ऑफ रोज इक्वल है, इसलिए कॉन्कैटनेट रो वाइज मतलब कॉलम वाइज किए जा सकते हैं, है ना? तो नाउ तो क्या हुआ? नहीं कुछ, फिर से बोलो, मुझे आवाज नहीं आई। ट्रांसपोज लगा के कर सकते थे, ट्रांसपोज लगा के कर सकते हैं, बट बात वही है, या तो आप क्या करो सेमी कोलन लगाओ यहाँ पे, फिर एम का ट्रांसपोज करो और एन का ट्रांसपोज करो, ठीक है, तो पॉसिबल है। अब एम का ट्रांसपोज करने पर क्या हमें मिलेगा, व्हाट विल बी द साइज ऑफ मैट्रिक्स यू विल गेट? 10 × 1 मतलब 10 रोज एंड 1 कॉलम। एन का ट्रांसपोज करने पर क्या मिलेगा हमें? 7 × 1 तो ये 7 और 10 जो है नहीं, क्या कर सकते हैं हम रो वाइज कॉन्कैटनेट कर सकते हैं गिवन यू हैव द ट्रांसपोज। तो ये आपका जो एल मैट्रिक्स है अब वो रो मैट्रिक्स बन गया, या रो वेक्टर बोल सकते हैं हम, ठीक है, सही, क्लियर है ना? या फिर हम इसे कॉलम वेक्टर बना सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब हम आते हैं थोड़ा सा मैट्रिक्स पे, किया कितने लोगों ने किया ये लेंस पे, समझ आया? यस मैम, यस मैम। अच्छा, आप कोई भी एलिमेंट एडिट कर सकते हो, लेट्स से कि आप चाहते हो कि एम का जो फोर्थ एलिमेंट है उसे हम क्या कर दें, 2 कर दें, सो दिस इज पॉसिबल। अगर आप एम खोल के देखोगे तो फोर्थ एलिमेंट क्या हो गया है, 2 हो गया है। मैटलैब और पाइथन में एक बेसिक डिफरेंस है, जैसे सी में हमारा इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता था, पाइथन में भी इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन मैटलैब में हमारा इंडेक्स 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इफ यू ट्राई, ये क्या दे रहा है एरर, या तो पॉजिटिव इंडेक्स हो या लॉजिकल वैल्यू हो, ये नहीं चलेगा, मतलब 0 इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। लेकिन आप 1 को अपडेट करोगे तो मैटलैब और पाइथन में ये डिफरेंस है कि यहाँ इंडेक्स 1 से स्टार्ट होती है, वहां पर 0 से स्टार्ट होती है, ओके? तो कभी ट्राई करेंगे आप कि कन्वर्ट कर लें तो क्या होगा, फिर इन दैट केस एरर आएगी। चलो नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल मेक अ 2D मैट्रिक्स। 2D कैसे बनाएंगे, L में ही हम बनाते हैं, लेट्स से कौन सी मैट्रिक्स बनाए, हाँ 2D मैट्रिक्स तो हमने लास्ट टाइम क्रिएट किया, क्या हैव वी क्रिएटेड अ 2D मैट्रिक्स लास्ट टाइम? क्या साइज दिख रहा है आपको, कितने एलिमेंट्स की मैट्रिक्स बनेगी L? 1 × 2 × 3 की मैम। लेट्स सी साइज ऑफ L 2/3, ठीक है। तो जब भी हम इंडेक्स करेंगे, लूप चलाएंगे, तो कहां से कहां तक होगी I और J की वैल्यू? I की 2 और J की 3। I की वैल्यू क्या क्या होगी, 1 से लेके 2 तक, 2 तक, और J की वैल्यू 1 से 3, ठीक है। अगर हमें अपडेट करना है कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में, लेट्स से हम 1, 3 एग्जिस्ट करती है, यस लेट्स सी, हाँ भाई 4 है उसमें, तो अब हम चाहते हैं इसकी वैल्यू 90 हो जाए। तो यहाँ एक चीज क्या इम्पोर्टेंट है कि ये जो ब्रैकेट दिख रहा है पेरेंथीसिस है, जब हम अपडेट करना चाहते हैं, असाइन करना चाहते हैं, तो पेरेंथीसिस का यूज करते हैं, ठीक है। और जब हमें एक्सेस करना है तब हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं, ठीक है। तो लेट्स से कि L 1/3 है, L ऑफ पेरेंथीसिस से भी आ जाएगा और उससे भी आ जाता है मैट्रिक्स से आपका, पहले क्या करें 2/3,
सभी दोनों सेम होगा। तो दिस इज मैट्रिक्स और इसमें हम डिफरेंट टाइप्स की मैट्रिक्स बना सकते हैं। लास्ट टाइम हमने कौन कौन सी मैट्रिक्स देखी थी? दो तरह की मैट्रिक्स हमने देखी थी, एक आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए, एक वंस देखी थी। यस मैम। हाँ, सो अगेन लेट्स सी इट अगेन। तो जीरोस भी होती है, एक होती है जीरोस, लेट्स से m इज इक्वल्स टू वंस ऑफ 5। तो ये क्या किया इसने, 5x5 की वंस की मैट्रिक्स बनाई। एंड इफ यू राइट इट 5x3, तो 5 रोज और 3 कॉलम्स की मैट्रिक्स बना दी वंस की। इसी तरह जो जीरोस है ठीक है, या जीरोस ऑफ 5 करो, करके देखो पैरेलली प्लीज। क्या हुआ, किया सबने? यस मैम। यस मैम। कर रहे हैं ना सारे? मैं स्क्रीन शेयर करवा लूंगी, ठीक है? नहीं तो ठीक है। एक और होती है रैंडम मैट्रिक्स। देखो अभी मैंने कुछ टाइप नहीं किया, उसी के साथ इसके पास ऑप्शंस आने लगे कि क्या क्या इसके आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। आर्ग्यूमेंट्स याद है किसी को क्या होते हैं? साइज होता टाइप। हाँ, तो आप डायरेक्टली 5 रैंडम 5 करोगे तो क्या जनरेट होगा? वन से छोटी और जीरो से बड़ी। हाँ, जीरो से वन के बीच में उनके रैंडमली वैल्यूज हम क्रिएट कर सकते हैं, एक मैट्रिक्स क्रिएट कर सकते हैं 5x5 की। इसी तरह जैसे हमने अभी क्या किया, m इसको असाइन करते हैं 5x3, 5x3 की एक रैंडम मैट्रिक्स हो गई क्रिएट, जिसकी वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1 के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। क्लियर है? ये रैंडम मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्यों होती है बताओ मुझे, कोई जवाब दो। रैंडम फंक्शंस पढ़े हैं ना आप लोगों ने? ये रैंडम मैट्रिक्स इसलिए इंपॉर्टेंट होती है कि जब हम नॉइस को क्या करते हैं, नाम ही भूल गई मैं, नॉइस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, तो हम जनरली क्या यूज करते हैं, रैंडम नॉइस, ठीक है? या कोई प्योर सिग्नल है उसमें हम क्या करते हैं, रैंडम नॉइस को मिक्स कर देते हैं। जैसे लेट्स से कि m हमारा सब मैट्रिक्स है, इसका डेटा लेट्स से यही वाला है, हमने इसको या यूज, यहाँ से हम डायरेक्टली कॉपी कर सकते हैं एज यू कैन सी, ठीक है? तो अब ये जो मेरी मैट्रिक्स बनी m, ये बन गई है। लेट्स से कि एक प्योर सिग्नल है, ये किसी से हमने डेटा कलेक्ट किया था वो है। तो m इज इक्वल्स टू m प्लस या m1 ले लो, रैंड ऑफ 5x3। सेम साइज का हम क्या करते हैं, रैंडम इंफॉर्मेशन उसमें ऐड कर देते हैं। तो अब ये जो डेटा नया बना है या नया मैट्रिक्स बना है, ये नॉइजी डेटा है। क्यों? क्योंकि इसमें हमने नॉइजी इंफॉर्मेशन ऐड कर दी, ठीक है? तो यहाँ पे ऑपरेटर भी आपको कुछ समझ आ रहा होगा कि ये क्या हुआ। उसके साथ हमने यहाँ एडिशन भी कर सकते हैं, एडिटिव नॉइज भी हो सकती है, मल्टीप्लिकेटिव नॉइज भी हो सकती है। पर यहाँ अब ये इसी से मल्टीप्लाई डायरेक्टली नहीं किया जा सकता, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, एलिमेंट वाइज। तो अब ये पॉसिबल है, प्लीज ट्राई इट।
तो दो तीन तरह की नॉइस हो सकती है, एडिटिव नॉइस हो सकती है या मल्टीप्लिकेटिव नॉइस हो सकती है। अब उसे निकालना कैसे है, उसे कैसे रिमूव करेंगे, ये एक रिसर्च इश्यू रहता है जिसमें लोग वर्क करते हैं। नॉइस डिलीशन, डीनॉइजिंग ऑफ द इमेज, डीनॉइजिंग ऑफ द सिग्नल, ये सब इसी पे बेस्ड है। हाँ भाई, कितने लोग मुझे सुन रहे हैं? यस मैम, कर रहे हो ना? यस मैम, यस मैम, यस। ठीक है, वेरी गुड। अब और क्या हम कर सकते हैं? स्टैट्स के कुछ ऑपरेशंस उसमें हम देख सकते हैं। सी, कहाँ गया मेरा मैथ्स का टैब? ओके, अब कुछ फंक्शंस हैं बेसिक बेसिक कि हमें मीन कैलकुलेट करना है। लेट्स से कि हमें ये जो न्यू मैट्रिक्स हमने कैलकुलेट किया है उसका मीन निकालना है। पर इसने जो हमें दिया आउटपुट वो कितनी मीन आए, कॉलम वाइज मीन दे दिया है ना, करके देखो। और हमने यहां अगर लिखा मीन टू, तो ये क्या हो गया आपका, कैसे आया मीन? देखो, इस हमारा ये जो 2D डेटा है इसमें टू डायमेंशन है, एक वन है एक टू है, तो बाय डिफॉल्ट वन होता है। अगर हम ना भी लिखे वन तो भी वो कॉलम वाइज दे देगा। तो कॉलम वाइज अगर हमें मीन निकालना है तो वो थ्री मीन, तीन कॉलम है तीन मीन है। दूसरा होता है रो वाइज, तो उसके लिए हमें टू देना पड़ता है। तो रो वाइज पांच रो है तो पांच मीन आ गए, तो रो वाइज मीन आ गया। क्या ये क्लियर है? यस मैम, करके देखा। यस मैम, Yes, सबने कर लिया? Yes, ma'am. उसी के साथ हम क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन भी निकाल सकते हैं इसका, M1 का जो नॉइजी डेटा है हमारा। अगेन यहाँ पर हमें क्या देना होगा, अगर कॉलम वाइज निकालना है तो वन या कुछ नहीं, और अगर रो वाइज निकालना है तो टू। ओफो, अब ये बोल रहा है कि भाई आप जिसका स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना चाहते हैं वो क्या नहीं हो सकता, नॉन नेगेटिव वेट होना चाहिए। ठीक है, उसमें कुछ इश्यू है इसलिए वो नहीं कैलकुलेट करा, पर उसने कॉलम वाइज करके दे दिया। क्योंकि स्क्वायर रूट करेंगे तो बहुत छोटी वैल्यू हो जा रही है, इसलिए वो नहीं कैलकुलेट करा। लेट्स सी वेरियंस। वेरियंस कॉलम वाइज और वेरियंस रो वाइज, अगेन वही इशू आ रहा है क्योंकि ये डेटा वैसा है ना, क्योंकि बहुत हाई वैल्यू होगी, बहुत स्मॉल वैल्यू कोई है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, कैलकुलेट नहीं हो पा रहा है। लेट्स सी, अब ये हम इंडिविजुअली कैसे चेक कर सकते हैं? हम चाहते हैं कि हम फर्स्ट टू रोज का, ठीक है, मीन निकालें, वेरिएंस निकालें। तो अच्छा रुको, अभी इसने क्या किया, फर्स्ट टू रोज का निकाला कॉमा ऑल कॉलम्स। ये कोलन स्पेसिफाई करता है कि ऑल कॉलम्स हैं और फर्स्ट टू रोज हैं। तो ये जो वन और टू आपको दिख रहा है, फर्स्ट रो सेकंड रो और इनके तीनों कॉलम, मतलब कितनी कौन सी मैट्रिक्स हुई, अगर आप इसको प्रिंट करोगे यहाँ पर एग्जिस्ट, यहाँ पे देखे हम क्या आता है इसका। सो दिस इज एक्सेस, एरे को एक्सेस कैसे करना है, मैट्रिक्स को कैसे एक्सेस करना है। तो फर्स्ट टू रोज एंड ऑल द कॉलम्स, तो 2x3 की ये मैट्रिक्स आ गई। सिमिलरली आप चाहते हैं कि आपको सेकेंड टू फिफ्थ सारी रोज और उनका सारे कॉलम्स, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आ गई 4x3 की। ठीक है, अब इसका हम वेरिएंस भी देखना चाह रहे हैं, क्या कैलकुलेट हो पाएगा या नहीं। लेट्स सी, ठीक है, तो ये कॉलम वाइज वेरिएंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बट लेट्स सी इफ इट इज पॉसिबल। तो ये रो वाइज इसमें पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ द वैल्यूज वी आर गेटिंग।
ओके कितने लोगों ने किया एक्सेस, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को एक्सेस करना है हमें, क्या आप लोग कर सकते हैं? हम सिर्फ कॉलम्स ही नहीं सारी रोज को भी वो कर सकते हैं, जैसे कि हम सारी रोज लेंगे एंड ओनली द फर्स्ट टू कॉलम्स. ठीक है, द फर्स्ट टू कॉलम्स कम वेरिएंस निकालेंगे तो कॉलम वाइज आएगा, टू मीन आएंगे. देखो करके राइट. यस मैम. तो ये वेक्टर क्रिएट करना आ गया एट अ डिस्टेंस ऑफ समथिंग. ठीक है, इंटरवल देना आया. यस मैम. ठीक है, अब इस पे हम लोग थोड़े से फंक्शंस देखते हैं कि लेट्स से एक्स आपने कैलकुलेट किया और हमने इसको क्या किया, क्या करते हैं, जीरो से ठीक है टू पाई पाई हम डायरेक्टली ऐसे सिंबल यूज करते हैं. ठीक है, और इसमें हम एक इंटरवल देते हैं बीच में कि 2π/20 10 ले लेते हैं. तो जीरो से 2π के बीच की हम क्या लेंगे, वैल्यूज लेंगे विद एन इंटरवल ऑफ दिस. क्या ये स्टेटमेंट क्लियर है? अभी मैंने क्रिएट नहीं किया है, इज दिस स्टेटमेंट क्लियर है? नो मैम. नहीं है अभी हमने जो है, चलो कंट्रोल एक्स करती हूँ मैं, जीरो से :2:20 क्या ये स्टेटमेंट क्लियर है? यस. ठीक है, अब पाई की वैल्यू क्या होती है पता है? 3.14 यहाँ पे आ गई. तो अगर मैं एक्स इज इक्वल्स टू ये लिख रही हूँ तो इसका मतलब क्या है, तो एक्स की रेंज है वो जीरो से 6.2428 समथिंग तक होगी विद एन इंटरवल ऑफ दिस थिंग. तो इसको भी हम क्या करते हैं, कंट्रोल सी, अभी देखते हैं. चलो पहले इसको एक्स को क्रिएट कर लो. ठीक है, अब इसके बाद 2π/10 की क्या वैल्यू है वो देख लेते हैं. तो जीरो से लेके इतने इतने डिस्टेंस पर और एवरी 0.62 के डिफरेंस पर टिल कितना 6.82 तक, 6.28 तक कितना वो आएगा वो देखना है हमें. तो 6.28 तक कितनी वैल्यूज आ गई, 11 वैल्यूज आई है टोटल. अब एक्स का साइज भी हम देख लेते हैं. सॉरी, 1/11. ठीक है, क्या ये चीज क्लियर है? यस मैम. पाई एक कांस्टेंट है जिसकी एक फिक्स्ड वैल्यू है. ठीक है, तो अब ये एक्स क्रिएट हो गया हमारा, वाई इज इक्वल्स टू हम क्या लगाते हैं, साइन ऑफ एक्स. ठीक है, क्या साइन ऑफ एक्स वैलिड है? यस मैम. ओके, बताओ साइन लगा सकते हैं ना मैक्स पे? यस मैम. और जेड इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स, क्या ये वैलिड है? देखो भाई ये क्या है, 6.28 2π है, 2π तो कॉस ऑफ मतलब पाई के साथ कुछ भी मल्टीप्लीकेशन हो वो क्या आएगा, जीरो वो वन आएगा, जीरो फिर वन फिर जीरो फिर वन, है ना, ऐसे ही चलता है ना. और कॉस जीरो इज वन, तो ये 2π है, तो
इसकी वैल्यू क्या आई? 1 आई. क्या ये क्लियर है? यस मैम. परफेक्ट, ठीक है ना, सही है, गलत तो नहीं है, मैंने गलत तो नहीं कैलकुलेट कर दिया? नहीं, मैंने सही किया है मैंने, है ना. नाउ वी वांट टू प्लॉट इट. प्लॉट x कॉमा y. सो इट इज नाउ इट्स अ ग्राफिकल थिंग. अभी कोई आ रहा है क्या? इसका आउटपुट मुझे दिख नहीं रहा. क्या आपका आउटपुट दिख रहा है? यस मैम. फिगर आ रहा है, दिख रहा है बन के? यस मैम. यस मैम. ये जो बना है कर्व मेरा साइनसॉइडल, ये दिख रहा है ना? यस मैम. सबको दिख रहा है ना? श्योर है ना? देखो जहां पर भी मैं हावर कर रही हूं. मैम अभी नहीं दिख रहा आपका विंडो? मैम नहीं दिख रहा है. अच्छा, जितने लोगों ने अपने उस पे किया वो दिख रहा है ना? वही तो मैं पूछ रही हूँ ना, क्योंकि मैंने एक विंडो शेयर कर रखी तो दूसरा तो दिखेगा नहीं. तो इसका आउटपुट जनरेट हुआ है वो वहां नहीं दिखेगा. तो उस पे हावर करोगे ना अपने कर्व पे, तो सारा दिखेगा, हर एक वैल्यू एक्स की क्या है, वाई की क्या है उस पर्टिकुलर कर्व पे. तो कैन यू डू इट? इजी है? यस. बहुत इजी है ना? मैटलैब ज्यादा इजी है. कितने लोगों को टफ लग रहा है? मैम ऑक्टागन शेप है, हेक्सागन टाइप का. मैम ऑक्टागन हेक्सागन टाइप का शेप है. ऑक्टागन हेक्सागन क्या बोल रहे हो? ये तो वैल्यू जैसी है ना, शेप इसीलिए आया है. तुम्हारा हेक्सागन क्यों आया भाई? मेरा तो साइनसॉइडल आया है. तुमने कुछ और रेंज दी है क्या? यही रेंज दी है मैम. दिखाओ, शेयर करो स्क्रीन मुझे दिखाओ. अरे ये विष्णु तो ना ऐसे ही करता है, पता है, ऐसे शेयर करता है साइज. ठीक है, तो वो दिखाओ कर्व, कर्व दिखाओ. अरे तुम्हारा तो कुछ और ही आया है रेंज. yes, पे तुमने क्या प्लॉट किया है? एक्स और मैम मैंने यही प्लॉट किया मैम. मैम एक्स की वैल्यू मैम ये आ रही है 0.6283 1.152. मैम ये आ रही है. प्लॉट कहाँ लिखा है? प्लॉट पे जाओ. साइन एक्स कॉस एक्स और मैम प्लॉट वाई कॉमा जेड. हां वाई कॉमा जेड प्लॉट किया है ना मैंने. एक्स वाई प्लॉट किया है भाई, वही तो मैं कहूंगी प्लॉट क्या किया है. तुम कंफ्यूज कर रहे हो विष्णु. सॉरी मैम, मैं ध्यान नहीं दिया. इज माय स्क्रीन स्टिल विजिबल? यस मैम. यस मैम. यस. ठीक है. अच्छा, अब आप चाहते हैं कि हम ये जेड वाला भी इस पे इसी वेव फॉर्म पे प्लॉट कर दें, तो उसके लिए हमें क्या टाइप करना होता है? होल्ड ऑन. हमें अपना ना वो बंद नहीं करना है, अपना जो फिगर है उसको बंद नहीं करेंगे. होल्ड ऑन किया तो वो रुक जाएगा, वो स्टेबल रहेगा उस जगह. उसके बाद हम क्या लिखेंगे? मतलब आप चाहे वाई जेड लिखो, कुछ भी लिखो. जैसे एक्स कॉमा जेड मैंने प्लॉट किया उसी पे. इफ यू सी द सेम फिगर, व्हाट इज विजिबल? यस मैम. Yes, क्या हुआ? क्या प्रिंट, क्या आ रहा है प्लॉट होके? दो ग्राफ आया एक. हम दो ग्राफ आ रहे, एक एक्स वाई का एंड एंड एक्स जेड का आ रहा है. ठीक है, सही है, सिंपल है. यस मैम. बहुत इजी है ना? ये तो तुमको सिखाया था भाई उसमें. तुम लोग मुझे कंफ्यूज कर रहे हो. मैंने सुना था वो जो सिखाती थी तुमको रुचि लेखा, ये सारा तो सीखा है तुमने, या तो भूल गए हो और तुम लोग ऐसे बोल देते हो कि नहीं सीखा है. मैं भी याद है, मैं भी वाला तो याद है. ठीक है. अब हम और क्या कर सकते हैं? और भी कुछ कुछ चीजें हम देख सकते हैं. ये तो हो गया. अब मुझे एक चीज और चेक करने दो.
बता रही हूँ, वेट करो ठीक है। ऐसे तो हम जल्दी जल्दी कर लेंगे, बहुत इजी इजी तो है। अच्छा क्लियर ऑल सीएलसी ये सब समझ में आया? यस मैम। यस मैम। ये इम्पोर्टेंट है ना, जब हमें बिल्कुल चाहते हैं कि बिल्कुल वैसा नहीं होना चाहिए, कुछ भी साफ सुथरा होना चाहिए हमारा स्क्रीन, हम इनका यूज करते हैं। बहुत सारे मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं ठीक है, जैसे हमने साइन एक्स कॉस एक्स किया, इसके अलावा और भी है जैसे एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स, तो ये एक्सपोनेंशियल हो गया ना, एक्सपोनेंशियल ई एक्स जब हम जो निकालते हैं वो ये फंक्शन आपका आ गया, ई जीरो इज वन और ई एक्स लास्ट का जो भी है वो ये वैल्यू आई। और क्या फंक्शन होता है, लॉग होता है, ये सारे छोटे छोटे जो फंक्शन है ये आपको यूज करने होंगे व्हेन यू इम्प्लीमेंट समथिंग। लॉग ऑफ एक्स ठीक है, तो ये लॉग एक्स आ गया, लॉग टेन होता है एक, लॉग टेन हो गया, लॉग टेन ऑफ एक्स ठीक है। करो कोशिश मेरे साथ, चेक करते जाओ। अच्छा और क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स, एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई, फ्लोर, स्टील, ये सारे फंक्शन है जो हम नॉर्मली मैथ्स में ये जो यूज करते हैं वो डायरेक्ट हम ले सकते हैं। आप देखो फ्लोर फंक्शन ठीक है, ये वैल्यूज जो है वो फ्लोर फंक्शन से हमें मिल रही है। स्टील फंक्शन, गलत तो नहीं लिख दिया मैंने स्पेलिंग, सी ई आई एल होता है क्या, ठीक है। सील और फ्लोर ये सिंपल मैथ्स के फंक्शन है जो हम इसमें डायरेक्टली कर सकते हैं, बहुत इजी है मैटलैब, बहुत ज्यादा, बस इंस्टॉल हो जाए एक बार, उसके बाद तो सब इजी है। आ रहा है ना, इजी लग रहा है या नहीं लग रहा है मुझे बता दो तुम लोग। यस मैम। क्या मुझे सुनाई नहीं दिया, क्या हुआ मैम? फ्लोर क्या है मैम ये बताइए। फ्लोर और सीलिंग फंक्शन, फ्लोर फंक्शन नहीं आता समझ में, कि टॉप और लोअर फंक्शन, जैसे अगर हमारा 3.4 है एक वैल्यू ठीक है, तो फ्लोर क्या वैल्यू देगा, 3 लोएस्ट इंटीजर, सील क्या देगा, मैक्सिमम 3.4 का सील अगर हम देखेंगे तो वो क्या आएगा, 4 की रेंज क्या है ना, ये या तो इसकी लोएस्ट वैल्यू हो सकती है 3 और हाईएस्ट वैल्यू हो सकती है 4। जैसे हम नहीं करते राउंड ऑफ करते हैं, जैसे राउंड ऑफ x, तो हर एक वैल्यू को राउंड ऑफ करना, लेकिन इसमें सील और फ्लोर में क्या होता है, टॉप मोस्ट इंटीजर जो उसका हो सकता है एक पर्टिकुलर वैल्यू का, तो 3.4 क्या है, डबल वैल्यू है या रियल वैल्यू है, तो अगर हम उसको राउंड ऑफ करेंगे तो क्या आता है देखो, तो राउंड ऑफ करने पर x की जो अलग अलग वैल्यू है उनके लिए अलग अलग वैल्यू आ रही है, या हम राउंड ऑफ 3.4 करते हैं, 3.4 तो 3 है ना, लेकिन सीलिंग फंक्शन करने में क्या होगा, टॉप जो हाईएस्ट इंटीजर वैल्यू आएगी, लार्जेस्ट इंटीजर वैल्यू इन दैट फॉर दैट पर्टिकुलर रियल वैल्यू, वो होती है उसकी सीलिंग फंक्शन ठीक है। उसकी लेवल कहाँ तक जा सकती है, मैक्सिमम अगर आप अलाउड करोगे उसे तो 4 तक हो सकती है, और लोएस्ट अलाउड करोगे तो वो 3 तक हो सकती है, तो 3 और 4 उसका सील और फ्लोर है। ये पढ़ा नहीं है तुम लोगों ने, मैम एक तरह से इसको लोएस्ट इंटीजर और मैम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, हाँ लोएस्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर बता सकते हैं, उसकी रेंज है ना, किसके बीच में एग्जिस्ट करेगा वो वैल्यू ठीक है। ठीक है इजी है? यस मैम। यस मैम। और मिनिमम मैक्सिमम, मैक्स ऑफ एक्स कौन सा वैल्यू मैक्सिमम है वो फाइंड आउट करना, तो 6.82 है। मिनिमम 0 है। अब हम और क्या कर सकते हैं, मीन फाइंड आउट किया, मीन ऑफ एक्स ठीक है, मीन ऑफ एक्स निकाला, तो
इन ऑफ एक्स निकाला, कॉमन टू करते हैं, एक ही रो है तो एक ही वैल्यू आएगी। लेट्स से कि हमने एक जेड वन बनाया, उसमें क्या किया, एक्स कोलन वाई, ये मैट्रिक्स बनाई, क्या साइज होगा इसका बताओ, Z1 क्या साइज होगा, जल्दी बताओ भाई, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, मुझे इसी बात से पता चलेगा। 2:10 Z1 का साइज बताओ मुझे क्या बनेगा। 2:10 2:11 A1 करते, ठीक है। तो ये जो Z1 बनाया हमने, इसका मीन फाइंड आउट किया, तो मीन अगर हम 1 नहीं देते हैं तो भी ऑटोमेटिकली कितने आएंगे, कॉलम वाइज करेंगे हम तो अपने आप 11 वैल्यूज आएंगी, ठीक है। अब हम क्या चाह रहे हैं कि नहीं, हमें एक सिंगल वैल्यू चाहिए, तो हम उसका भी मैक्स या मिनिमम ले सकते हैं, कि मिनिमम वैल्यू ऑफ द मीन क्या आएगी, वो ये आ गई, मैक्सिमम वैल्यू हो गया और मिनिमम भी निकाल सकते हैं, फंक्शन पे फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, ओके। यस मैम, यस मैम, इजी है ना, हम इसमें कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिंपल मैथ होता है वही अप्लाई कर रहे हैं, कुछ कैलकुलेशन हमने अभी तक कुछ परफॉर्म नहीं किया है, ठीक है ना मैम। हाँ, सिर्फ इसमें रो मीन और कॉलम मीन मिलेगा, जैसे हर एलिमेंट का 2D डेटा है, 2D डेटा में दो वेक्टर वो है तो आपका दो ही चीज आएगा, लेकिन अगर हमने लेट्स से z = z1 में हमने क्या किया, ये हुआ आपका, अगर हम 3D डेटा बनाते हैं, 3D डेटा में हम क्या करेंगे, एक हमने मैट्रिक्स बनाई जीरोस की, जीरोस में जब हम बनाते हैं ना, तो लेट्स से 2:11:2 इसका डायमेंशन देखेंगे हम, देखो साइज में आया, तो ये साइज जब हम बना रहे हैं, ओहो सॉरी, तो इसमें हमारे पास 3 डायमेंशंस हैं, ठीक है। अब ये है, अब इसको हमने क्या किया, ये जो भी z1 है, z1 तो अभी जीरोस है, इसमें लेट से हमने रैंडम एक मैट्रिक्स क्रिएट की, उसे ऐड कर दिया, ये क्या थी हमारी 2:11:2 वो सेम साइज की थी, उसको ऐड कर दिया, लेट से अब z1 क्या है, ये जो हम यहाँ से वेरिएबल पे क्लिक करके देख सकते हैं, यही इसकी खास बात होती है, पता है क्या खास बात होती है, कि हम उसको डायरेक्टली देख सकते हैं, z1 में ऐड नहीं हुआ क्या, अच्छा असाइन नहीं किया ना, अभी हमने सिर्फ ऐड किया और आउटपुट कहाँ आ गया, आंसर में आ गया, लेकिन अगर आप आंसर खोल के देखोगे तो आपको एडेड वैल्यू दिख रही है, दिख रही है ना। तो अब हम क्या करेंगे, z1 में रैंड फंक्शन से मैट्रिक्स जनरेट करके उसको एड कर देते हैं, लेट्स से कि +2 भी कर देते हैं, तो सब में वो ऐड हो जाएगा, तो नाउ z1 जब हम देखेंगे, अब क्या है वैल्यूज, कुछ इस तरीके से आपको वैल्यूज दिखेंगी, कैन यू सी इट, यस यस। अब हम चाहते हैं कि हम मीन कैलकुलेट करें अलग अलग डायमेंशन में, यहाँ ये मदद करता है मीन फंक्शन, हम चाहते हैं z1 का अलोंग 1 किया हमने तो कितनी वैल्यूज आई, आंसर देख सकते हैं, एक आपकी कैसी मैट्रिक्स बनी, 11:2 की 1 रो, ठीक है, मतलब रो है एक, उसके अंदर एक मैट्रिक्स है 11:2 की, ठीक है, क्योंकि हमने 1 की कॉरेस्पॉन्डिंग किया, उसके बाद सेकंड की कॉरेस्पॉन्डिंग करेंगे तो आंसर चेक करो, 2 रोज हैं, हर एक रो में क्या है आपकी 1:2 की एक मैट्रिक्स है, तो 2:1:2 इस हिसाब से आया, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि थर्ड डायमेंशन के अलोंग मीन आए, अब क्या आया, 2:11, ठीक है, क्योंकि आपके कितने थे वैल्यूज, 2 थी,
तो दो के कॉरेस्पॉन्डिंग सिर्फ एक ही आएगी, तो उसको कैसे, ये 2×11×1 नहीं होता कभी, 1×2×11 तो रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन ये 2×11 सिर्फ वन ही आया है, वन ही रो आया है, तो इसलिए वो सिर्फ 2×1। ये एक हो गया आपका मैट्रिक्स क्रिएशन और उससे रिलेटेड मीन मैक्स मीन मीडियन, ये सारे फंक्शंस आप कैलकुलेट कर सकते हो, सेव कर सकते हो, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में असाइन कर सकते हो, एक मैट्रिक्स को दूसरी वेरिएबल में असाइन कर सकते हो, मैट्रिक्स में असाइन कर सकते हो। इज इट क्लियर? क्या ये काम आप खुद से कर सकते हो? हाँ भाई बोलो ना, कुछ तो बोलो। यस मैम। ऐसा लग रहा है मुझे तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा है, कितने लोगों को समझ आ रहा है? आ रहा है ना? यस मैम, यस मैम, स्कोर कर रही मैम, बस बता देना मुझे पहले, ठीक है? हाँ भाई नाम लेके पूछती हूँ मैं, मनमोहन समझ आ रहा है? अचित? यस मैम समझ में आ रहा है। अच्छा ये कहाँ है ये और बच्चे? अरे तुम एक बात बताओ, इसमें 31 बच्चे कैसे दिख रहे हैं, बाकी कहाँ है तुम्हारे क्लास के बच्चे? 45 की है ना स्ट्रेंथ? यस मैम। तो कहाँ है बाकी बच्चे? तुम लोगों को क्लास में अटेंड नहीं करना है, फिर बाद में तुम लोग बोलोगे पढ़ाया नहीं है। अच्छा कितने बच्चों ने एआई लिया है? तुम्हारा फाइनल हो गया वो डिस्ट्रीब्यूशन? यस मैम। है ना, मेरे पास तो एक लिस्ट आई है, मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि अभी भी, पर दोनों क्लासेस तो सेम टाइम पे हो रही है, कैसे अटेंड तो नहीं कर रहे हैं? अब तो अटेंड नहीं कर सकते है ना? मेरे पास जो लिस्ट है उसमें अचित, अमित, अंचल, अंकित, अनुभव, भार्गव, हर्षित, लक्षिता, मनमोहन, प्रखर, राजकेश, रोशन, ऋषिका, साकिब, सौरभ, शिखा, शिखा कनौजिया, शिवानी, श्वेता, सौरभ, सुमन, विष्णु नारायण, आकांक्षा और दिव्या। यही बच्चे हैं ना बस, इनके अलावा तो कोई नहीं है ना जो एआई में है? यही है ना फाइनल लिस्ट? अरे कंफर्म भी नहीं करते तुम लोग, चलो ठीक है मत करो कंफर्म, आगे बढ़े। यस मैम, यस मैम, यस मैम, यस मैम। ये देखिए कहाँ पे आ गई शिखा मैम। हाँ साकिब कुछ बोल रहे हो? मैम प्रॉब्लम मैम हो जाता है, मैम प्रॉब्लम होता है मैम गूगल मीट फिर मैटलैब, मतलब कोडिंग भी कैसे करें और क्लास भी कैसे लें? एक बार इंस्टॉल तो कर लो। इंस्टॉल है मैम मैटलैब। हाँ तो क्या प्रॉब्लम है मुझे समझ नहीं आई साकिब, लाओ पेन ड्राइव दो सौरभ है ना स्पेस। मैम आप यहाँ पे पढ़ाते भी हैं मैम और वहाँ पे मतलब करना भी होता है मैम, करना होता है तो कौन करेगा, मैं थोड़ी करूंगी, तुमको तो करना है मैम। बाद में कर सकते हैं क्या मैम? क्या बाद में? अच्छा पैरेलली नहीं करना चाहते, पैरेलली नहीं करोगे तो भूल जाओगे, स्क्रीन स्प्लिट हो जाती है, इसलिए तो 2 घंटे की है वो। ट्राई करना ये हो जाए, इसमें जो दिया है इंस्ट्रक्शंस वैसे ही के वैसे करना ना। इंटरनेट ऑफ करके इंस्टॉल करना, और बाकी इसने जो लिंक शेयर की उसमें नहीं हुआ, जो टॉरेंट है उससे इंडिविजुअल सिस्टम पे तो हो रहा है भाई, ये तो और ज्यादा है अभी होगा 19 है ये, देख लेना करके हो जाएगा तो
है ना। इसमें ना देखो ये जो फाइल है ना, मैं तुम लोग प्लीज डिस्टर्ब मत हो ना, दो मिनट है ना। हमें कितने लोगों ने किया, हो गया? Yes, ma'am. और yes, ma'am. अच्छा, और कुछ कुछ आपके इसमें जैसे मैंने यूज किया पाई है ना, तो पाई की एक स्पेसिफिक वैल्यू है, एन ए एन एक एग्जिस्ट करता है जिसकी वैल्यू एन ए एन है, ये कॉन्स्टेंट्स है ना, और क्या है इन्फिनिटी तो सिंबल नहीं, इसकी वैल्यू डायरेक्टली इन्फिनिटी है, तो अगर कहीं पे इन्फिनिटी आ रहा है तो आपका कुछ प्रोडक्ट नहीं होगा, ये सब की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो यू हैव टू चेक योर डेटा। ओके, आई इमेजिनरी जो रूट्स हैं आपके आई और जे वो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है? तो अगर आप किसी को लिखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर बनाने के लिए, लेट्स से z is equals to 3 plus 2i, तो ये i हमें वेरिएबल क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप ही कॉम्प्लेक्स नंबर क्रिएट कर देगा, ठीक है? ओके, यस मैम, यस मैम, यस मैम। अब हम क्या ट्राई करते हैं, कुछ फॉर्मूला कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। हमारे पास z है, x है, y है, और हम y1 क्रिएट करेंगे, ठीक है? एक्सपोनेंशियल ऑफ लेट्स से 2.4 मल्टीप्लाइड बाय multiplied by pi by 2 or multiplied by plus by या minus, जो हमें इक्वेशन रिप्रेजेंट करनी है वो हम यहाँ कर सकते हैं। कंफ्यूजन को रिमूव करने के लिए आप पैरेंथेसिस का मल्टीपल यूज कर सकते हैं, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ पी मल्टीप्लाइड बाय पाई, ठीक है? ये हम अपना इक्वेशन रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, अब ये सही है गलत है। तो हम चाहते हैं कि हमने देखा कि भाई x की वैल्यू जो दी है उसको हम पेरेंथीसिस में पहले लिख लें ताकि वैल्यू जो सही आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है? अब इसमें पेरेंथीसिस हम चेंज करके देखते हैं, एक्सपोनेंशियल को बाहर करते हैं और साइन और स्क्वायर रूट ऑफ 3 पाई को ऐसे करते हैं, अब वैल्यू चेंज हो गई। तो जो आपका एल्गोरिथम जो आपकी आप कैसे लिखते हैं इस पे बहुत डिपेंड करता है कि आपका आउटपुट क्या आएगा। कभी कभी क्या होता है हमारा एक्चुअल जो है हम हैंड रिटन जब मैनुअल करते हैं तो आउटपुट कुछ और आ रहा होता है, सिस्टम का कुछ और आ रहा था, वो इसलिए आता है
सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है कि आप क्या कहना चाह रहे हो. तो हमेशा क्या करना है, मोर पैरेंथेसिस को यूज करना है ताकि सिस्टम को कंफ्यूजन नहीं रहे. ठीक है, एम आई क्लियर है? यस मैम. यस मैम. और अच्छा सच बताओ, तुम लोगों को समझ में आ रहा है ना? यस मैम. है ना, मतलब ऐसे ही बस बोलने के लिए मत बोल देना कि नहीं नहीं मैम आ तो रहा है. मैम आ रहा है समझ में. अब तुम लोग कोडिंग कर लोगे? यस मैम. कर लोगे ना? इजी है. यस मैम. यस मैम ट्राई करेंगे. अब प्लॉट फंक्शन है, उससे रिलेटेड खुद से हेल्प आप लोग देखोगे. सारी चीज मैं नहीं कराऊंगी. हेल्प एक अच्छा ऑप्शन है, जैसे आप हर चीज को देख सकते हो. अब प्लॉट जैसे अभी हमने एक छोटा सा यूज किया, उसके बारे में हमें और जानकारी चाहिए, तो यू राइट प्लॉट हियर. या फिर एक चीज होती है, यहाँ पर ये जो आइकन दिख रहा है ना यहाँ पे सर्च, इसमें आप डालो प्लॉट. ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी मैथमेटिकल फंक्शंस हैं वो आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे. यू जस्ट सिलेक्ट वन जो आपको लग रहा है मोर अप्रोप्रिएट है, उस पर क्लिक करोगे तो एक डॉक्यूमेंटेशन विंडो खुलेगी. क्या मेरी डॉक्यूमेंटेशन विंडो दिख रही है सबको? या अपनी अपनी ट्राई करके देखो. ठीक है, हमें क्या है ना, सारा आपका कैसे प्लॉट को यूज कर सकते हैं, किस लिए होता है, कौन कौन से उसके आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, वो सारा यहाँ पे विजिबल है विद एग्जांपल. देखो yes, दिख रहा है कितने yes, लोगों को दिख रहा है? हम अपने को चेंज करना चाहते हैं, कलर चेंज करना चाहते हैं, उसका सिंबल चेंज करना चाहते हैं, सब कुछ पॉसिबल है, बट यू हैव टू एक्सप्लोर इट. नीचे तक आप जाओगे, उसमें आर्ग्यूमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, स्टाइलिंग क्या है, कलर्स क्या है, कलर अगर एक पर्टिकुलर कलर हम चाहते हैं तो उसका कोड क्या है. ठीक है, एग्जाम्पल से बहुत सारी चीजें इसमें क्लियर हो जाती है. तो जब हेल्प में डालना है, उसी तरह हम चाहते हैं कि भाई सब क्या और क्या सर्च करना चाहते हो तुम? प्लॉट में देखा हमने फिगर क्या होता है. अब फिगर एक अच्छा इम्पोर्टेंट एक वो है, तो उस पे फिगर डालोगे. फिगर क्या है, आपकी एक एक्टिव विंडो क्रिएट होती है जिसमें आप प्लॉट के थ्रू कुछ चीजें को प्लॉट करते हो. तो वो फिगर जैसे ही आप लिखोगे ना, उसमें लिखोगे कमांड प्रॉम्प्ट में फिगर, तो एक ब्लैंक फिगर क्रिएट हो जाएगा. उसके बाद आप जो भी उसमें प्लॉट करना चाहते हो डायरेक्टली आप प्लॉट कर सकते हो और उस फिगर को सेव कर सकते हो. उसकी अच्छी बात यह है कि उसको सेव कर लोगे तो एज एन इमेज आप सेव कर सकते हो, मैटलैब फाइल की तरह भी सेव कर सकते हो. इसकी फिगर की अच्छी बात ये होती है. तो व्हाट यू नीड टू राइट हियर, फिगर एफ आई जी यू आर, इससे एक ब्लैंक फिगर आपका क्रिएट हो जाता है और उसमें फिर हमने प्लॉट कर दिया. से प्लॉट y कॉमा z. तो मैंने इमेजिनरी वाला डाल रखा है इसलिए उसने कुछ आया, बट स्टिल इट प्लॉटेड समथिंग. डॉक्यूमेंटेशन विंडो यूज करी किसी ने? यस मैम. यस मैम. आया समझ में? ये ऊपर ये जो प्लॉट मैंने यहाँ लिखा है ये सब समझ आया? खुल के हेल्प कर सकते हैं आप खुद की? आप डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए. देखो ऐसा नहीं है कि मैं आपको हर चीज समझाऊंगी, कुछ चीजें आपको खुद से आइडेंटिफाई करनी ही पड़ेगी. मैंने भी की थी मेरे टाइम पर, है ना? आपके साथ ये है कि आप और अच्छे से कर सकते हो. इज इट क्लियर नाउ? यस मैम. ठीक है, ओके. कोशिश करना हो जाए. नीचे तुम लोग गए थे तो क्या बोले वो? तो
हाँ तो ऐसा भी कर सकते हो, तुम लोग यहीं रहते हो तो आके ज्वाइन कर लिया करो, उस पर भी कर सकते हो। अगर ये सब भी नहीं हो रहा है तो इंस्टॉल्ड है उस पर कर लो। हाँ नहीं आएंगे आप? क्यों, ये लड़कियां आ सकती हैं? अच्छा अच्छा ठीक है, चलो जिसका हो जाए जिससे हेल्प कर देना, ये इंस्टॉल हो जाए तो करो और अपना कर देना। ठीक है ओके, सो आई थिंक आई शैल स्टॉप हियर। ठीक है, काफी कुछ कर लिया हमने, कुछ चीजें आप लोग एक्सप्लोर करो आज, जो जो चीजें मैंने बताई हैं उनको और अच्छे से एक्सप्लोर करो। सब मैट्रिक्स कैसे क्रिएट करते हैं, हाई डायमेंशनल मैट्रिक्स कैसे क्रिएट करते हैं, हाई डायमेंशनल मैट्रिक्स में से सब मैट्रिक्स कैसे क्रिएट करोगे, ये सब खुद से करोगे। आई विल सी इट इन द नेक्स्ट क्लास, कल मैं चेक करूंगी। ठीक है मैम? हाँ बोलो मैम। मेरी फर्स्ट क्लास थोड़ी देर से ज्वाइन किया था मैंने मैम, वो एडिटर वाला विंडो दिखा, वो स्क्रॉल करके दिखा दीजिए। क्या दिखाना है, एडिटर? हाँ ये एडिटर है ना, ये तुम्हारा ये कमांड विंडो दिख रहा है। क्यों तुम लोग आपस में हेल्प नहीं करते हो क्या? यहाँ न्यू पे क्लिक करोगे ना तो एक फाइल क्रिएट हो जाएगी। अब इसे आपको जिस नाम से सेव करना है उस नाम से सेव कर लो, जैसे डेमो वन डेमो टू डेमो थ्री। ठीक है, तो ये मैट फाइल आपकी सेव हो जाएगी। तो यहाँ पे डेमो थ्री क्रिएट हो गई, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब इसमें हमने ए इज इक्वल टू टू किया, बी इज इक्वल टू थ्री किया है ना, जेड इज इक्वल टू क्या किया, फाइव सिक्स सेवन एट नाइन है ना टेन किया, और इसे एग्जीक्यूट करा दिया। ये वेरिएबल्स क्रिएट हो गए हमारे। ठीक है, ठीक है दिव्या? यस बस इसके आगे सेव फंक्शन है और लोड फंक्शन है, वो अपने आप आइडेंटिफाई करोगे, नहीं तो किसी और से पूछोगी जब ये लोग कोई नहीं बता। और जो जो नहीं बता रहे हैं उनका मुझे नाम बताना। ठीक है दिव्या? ओके मैम। हाँ अनुज तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। नो, फिगर वाला में कुछ आई नहीं था। फिगर वाला, फिगर वाले में कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमें बस फिगर लिखना है। देखो प्लॉट करोगे ना, जैसे प्लॉट करोगे तो एक अपने आप फिगर खुल के आएगा, उसमें हमें फिगर हाँ, नहीं आ रहा है ना, है ना? लेकिन आप चाहे तो खुद का भी एक पहले से फिगर ऑन कर लिया। ठीक है, अब इसमें प्लॉट किया एक्स कॉमा वाई, तो उसी फिगर में आएगा आपका। ठीक है, जो आपने फिगर क्रिएट किया है उसी फिगर में आएगा। अपना वाला फिगर बंद कर दो। ये काम क्या आता है ना, एक्चुअली देखो ये प्लॉट किया हमने तो यहाँ से फाइल गए सेव एज। सेव एज में आने में क्या है कि आपके पास ऑप्शन है, आप जेपीईजी फॉर्मेट में उसे सेव कर सकते हो, जैसे वन डॉट, जैसे डेमो वन इमेज या प्लॉट, डेमो वन प्लॉट डॉट जेपीजी फॉर्मेट में सेव हुआ वो। ओके, तो उसे आप एक्सेस कर सकते हैं कहीं से भी। फिर ओपन किया हमने, यहाँ पर ऑल मैटलैब फाइल्स आ रही हैं तो हम चेक कर सकते हैं कि ऑल फाइल्स खोला। तो ये आपका डेमो वन डॉट प्लॉट, आप जब देखोगे खोल के तो आपको एक इमेज फाइल दिखेगी, उसे हम क्या करते हैं फिर यूज करते हैं अपने थीसिस में। ठीक है, और ये फिगर से डायरेक्टली वेरिएबल्स भी क्रिएट हो जाते हैं, इफ यू ट्राई इट ओपनिंग, इसलिए थोड़ा अच्छा है। ओके ओके मैम, ट्राई। देखो जहाँ नहीं समझ में आएगा मुझे वहीं बता देना, बाद में मुझे सुनने को नहीं चाहिए कि मैंने नहीं समझाया। अभी तक कोई टीए नहीं है इसलिए मैं करवा रही हूँ जितना मुझे समझ में आ रहा है, पर आपको समझ आ रहा है आप इसी से कर पाओगे तो इट्स गुड। ठीक है, और जो असाइनमेंट आपको मिला है ग्राफ थ्योरी वाला वो उसको देखो करके कि क्या जो आज तक हमने सीखा है उससे कुछ कर पाओगे तुम लोग या नहीं। ठीक है, इसके बाद हम लूप्स कंट्रोल स्टेटमेंट्स जो जो सी में पढ़ा था वो सब पढ़ेंगे। Is that clear? Yes. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am.